मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जय श्री स्वामीनारायण। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24। तो इसमें आपको हिस्सा बताना है, ये हिस्सा कितना है। तो ये पूरा राउंड किया गया है, उसमें आधा ये भरा हुआ है, तो कितना हुआ, आधा हिस्सा। उसके बाद इसमें तीन भाग किए हुए हैं और एक भाग पूरा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, एक तिहाई हिस्सा। उसके बाद इसमें नाइन भाग किए हुए हैं और एक भाग ही भरा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, नौवां हिस्सा। तो हमने इस चैप्टर में देखा था कि तीन किसान थे, उन्होंने क्या किया था, गद्दे खरीदे थे और गद्दे का जो भी उसने दाम दिया था, जबकि उन्हें जो गद्दे की रकम चुकाई थी, तो एक ने क्या चुकाई थी, एक ने आधी कीमत चुकाई थी गद्दे की, दूसरे ने एक तिहाई जबकि तीसरे भाग की रकम चुकाई थी जब गद्दे खरीदे थे ना तब। और इसके बाद नौवां हिस्सा, तो तीसरा जो किसान है उसने जो गद्दे खरीदे थे उन्होंने उसमें नौवां हिस्सा जितनी रकम दी थी। उसके बाद पेज नंबर 25, पाठ में से ऐसे शब्द छह शब्द छाट कर लिखिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो। तो उसमें पहला आएगा तीन किसान, मतलब कि तीन है, किसान कितने है, तो ये विशेषता बताने वाला शब्द है, उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए, ऐसे शब्द हमें इस पाठ में से लिखने हैं। उसके बाद एक व्यापारी, कितने व्यापारी, एक। उसके बाद बुरी बुरी प्रशंसा, बड़ी शान, दूसरे किसान और दो गधे। तो ये है विशेषता बताने वाले वर्ड, इसकी फोटो में आपको भेज दूंगी, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। उसके बाद है सेकंड, समझो और करो। तो पहला है समस्या का हल, तो उसके सामने एग्जांपल दिया गया है समस्या का हल, तो निकालते हैं। दूसरा है हिसाब किताब, तो क्या आएगा, लगाते हैं। ग, झगड़े का कारण जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है उस हिसाब से हमें ये वर्ड लगाने जाने। ग्राम प्रधान की बात ध्यान से सुनते हैं। लोग विस्मय से मुल्ला नसरुद्दीन को देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3, पाठ में से ऐसे ढूंढकर एक शब्द लिखिए, जबकि जो शब्द समूह के वर्ड है ये, तो आपको कहो है जो व्यापार करे, तो व्यापार कौन करता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कौन व्यापार करता है, व्यापारी, क्या आएगा इसमें वर्ड, व्यापारी। उसके बाद जो गांव का प्रधान हो, जबकि गांव का मुखिया हो, गांव का सब कुछ संभालता हो, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान के पास कौन गए थे, तीन किसान जो झगड़ रहे थे, किसके लिए, गद्दे के लिए। उसके बाद जो खेती करे उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, किसान, जबकि जो भी खेती करता है उसको किसान बोला जाता है। उसके बाद जो देखने वाले हो, तो कौन देखने वाले को क्या बोला जाता है, दर्शक, मतलब कि सब कुछ, कुछ भी हो रहा हो उसे देखने जाए तो उसको क्या बोलते हैं, दर्शक, कि जो देखने वाला हो वो दर्शक। उसके बाद आपको नोटबुक में ये जो थर्ड वाला है ना, अभी हमने किया कि जो व्यापार करे व्यापारी, जो गांव का प्रधान हो ग्राम प्रधान, वो वाला थर्ड वाली एक्सरसाइज है, वो आपको नोटबुक में लिखनी है। और ये जो सभी किया वो आपको किस में करना है, टेक्स्ट बुक में फिल करना है। और ये थर्ड वाली है वो आपको किस में करनी है, नोटबुक में भी साथ में करनी है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी पूरा होता है।
ठीक है, जिसका भी आगे का कुछ भी वर्क बाकी हो नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में वो पूरा कर देना।